ये देखा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरी बहन का घर है, नाला सुपारा बेस्ट में हूँ मैं, नीले मोरे गांव एरिया है, तपस्या बिल्डिंग बोलते हैं, फेमस है। तो यहाँ पे आया जाता है, मतलब ऑटो पकड़ के यहाँ पे आया जाता है। हम यहाँ पे मतलब जिस बिल्डिंग में आए हैं, इनका जिसका जो रूम है ये उसका हाल है, और इधर पीछे बालकनी है, और इधर अच्छे मंदिर है, मतलब जो घर में पूजा उदा पूजा पाठ करते हैं आस्था के लिए मंदिर है, और ये थोड़ा सा गलियारा है, और ये बाथरूम है, नहाने धोने के लिए बाथरूम है, और ये किचन है, ये किचन है, यहाँ पे खाना पीना बनता है। इसके बाद जो भी मतलब बढ़िया चीज़ चाहे खाने पीने का कुछ भी हो बनता है, और इधर ये बालकनी है, बालकनी से बहुत बढ़िया सीन दिखता है, चाहे जहाँ का सीन देखेंगे। और यहाँ दो लोग बैठे हैं, दोनों हैं मेरे बेटे और भांजे उनजे। इधर ट्रेन, पीछे ट्रेन चल रही है, और काफ़ी ऊंचाई पे है, नीचे का सीन देखिए कितना नीचे दिख रहा है। ये देखो सब बच्चे अपने अपने कोई गेम खेलने बैठ गया है, कोई कहाँ पे, अभी चाय बनने वाला थोड़े समय में। चाहिए तो बनाऊ, तो बैठी है बना। बना था खाना, खाई चलू का खाना खा चलाई होगा। हाँ तो चाय पी के चलाई हो, तो फिर थोड़ा जल्दी चलो अपन, खाना अपन घरे बना खावा जाए। हाँ हाँ बनाए, कुछ भी बनाए थे, चाहे चाहिए पी ले तो वो चले, कोई बात नहीं है। तो ही बना देते, चाहिए चाहिए तो ही बना देते। कभी चाय बना दो, गर्मा गर्म चाय बनाने वाला बा, बंदा का दरक खुना थे। चाहिए बनी देखा, चाहिए था बनी तोने तू नहा गेम में लटिया गया का बलका वाले ना, तो चाहिए देखिए बलका तो महक तावत वा वंदन चाय छाना था इन छन्नी से। हाँ और ये मेरी छोटी बहन निशा यादव है, वंदना यादव जनते हैं, दोनों भाई बहन मिल मिल के हमें चाय छनवावत है। हाँ तो थोड़ा चाय बनाए देव तो है, काटत बका आए हो, थोड़ा मेहनत कह देव तो कौन दिक्कत बटे। तो ये चाय निकाल रही है वंदन लड़कावत है, और ये बाथरूम हो गया, और यहाँ पे छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है, पंखा चल रहा है, कुर्सी रखी हुई है, सब कुछ सही है, मस्त है एकदम, और हंसता खेलता परिवार है, ऐसा ही रहना चाहिए, सबका परिवार हमेशा खुश रहना चाहिए। वंदन आओ, चाहिए लेके वंदन चाय आ रहा है, थोड़ा पी लेते हैं फिर माइंड फ्रेश कर लेते हैं। फिर वैसे चाय तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन नात रिश्तेदारी कहीं भी जावा तो चाय पानी नाश्ता मिलवा ही करे, चाहे कितना भी ना नुकुर करा, ये सब हो भाई करे, समझ गए भैया। वंदन वंदन चाय ले आए गए हैं,
हमारे बाबू तो चला गया नीचे, चला गया। हाँ पिया तो हूँ, बैठ पिया तो पी ले। बाबू घर चला गया नीचे ना। दौरा से मन कहा तो चाय पिए, वंदन खाते के बताओ जज जाए। वंदन चाय बना के लेके आए हैं, देखा मुझकी घर पे आवाज है भैया, अरे चाय पिया आइटम किया हुआ है ये एकदम फॉरवर्ड कर रहे हैं खाना बनवा आइटम छोला पकौड़ा ये देखिए भैया नाश्ता बन रहा है भैया, वो दोनों लोग बाहर खेल रहे हैं गेम और इधर नाश्ता बन रहा है गर्मा गर्म। अभी गर्मा गर्म नहीं, अभी मतलब कट रहा है प्याज। कहाँ बने वंदन, वंदन कहाँ बने, इधर कहाँ बने, आखिर में लागत बहुत है। पिए जी बहुत तेज लागत वंदन रखी हुई, बंद कर बंद 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 लागत पंखा चलाए ना ना लगे नीचे किधर नीचे ओके बाजू में नीचे के अंदर वो मैं बैठा हूँ। कहा हो चटनी का वंदन भजिया चटनी का भैया वंदन भजिया मिसा थे पानी में डाल के। और ये भाई तुम लोग शांत रहोगे, ये देखा गर्मा गर्म भजिया बनावा थे वंदन नाला सपारा वाले। मस्त अब खाए के बाद कैसे ना आए, बढ़िया तो उपाय करे वही सो कहो नहीं खवैये का स्वाद मिला था। वो तो हर शादी विवाह कार्यक्रम फंक्शन में का रहा थे जे ओका गलत निकलबे करते हैं तो उनका से कुछ मतलब नहीं होते। लेकिन जेका अच्छा लगा तो हमें जब डाली नमक कम रहा है तो वह नहीं बताती क्यों के खाई जाए भाई। हम देख लो भैया वंदन भजिया बनाओ थे गर्मा गर्म भजिया, वो नाला सपारा बेस्ट में आई के अरे ओ भाई यहाँ भजिया बन गया है, आ जाओ खा लो अपना। वो मोबाइल वाइल छोड़ दो, वो तुम्हारा भविष्य नहीं है तुम लोगों का। आर्या सैम आओ नाश्ता करो और कहीं जाया आया करो ना, तो वहाँ के लोगों से मिला करो, वहाँ से जानकारियाँ हासिल किया करो। ये इससे तुम्हारा भविष्य नहीं है मोबाइल से, समझ गए। हाल चाल किया करो, इधर उधर नीचे इधर उधर एरिया देखा करो, घूम टहल लिया करो। हाँ कि मोबाइल में बैठ जा तो ये इससे जिंदगी चलने वाली है। भजिया बन रहा है लेके जाओ चाचा दर, उनको दो भजिया वो खाए। मोबाइल लपट गया है यार, कोने कोने जमान लड़कियाँ हार गया तो उसे समझ नहीं पाओ थे। हाँ और कौन बची हुए वहीं है खेले गए तब सही है, यही सब पागल हो गया है मोबाइल ही में। अरे ओ भाई ए ए अरे यहाँ ए इधर आ जा इधर, अरे यहाँ इधर आ जा, उधर मत जा। नहीं कुछ नहीं वो बात नहीं है, तुम इधर आ जा भाई, वहाँ मत खड़े रहो ना। जब समझावा था क्यों तो चला आवा यार, जा दादाजी बैठे वहाँ कुछ बातचीत कर हाल चल कर। जब समझेगा तब समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा, दूर दूर भागने समझ में आएगा।
ठीक है भैया, गर्मा गर्म भजिया बना दिए हैं वंदन, और ये सब खड़े हैं चिलाए जितना है, भजिया वंदन बना दिए हैं। अरवक मोहनम दाल दूठ गर्म गर्म, ये सेम नाश्ता लेकर गया दादाजी को देने के लिए। काहे ना खाता का? अच्छा दतवस फूटे ना, यह समस्या बुढ़ाई दान में, यह समस्या रहा था, का कर बस दतों का बिरात रात न इस दिन आए इनंग दिन कब मछिया था इनंग द कुलेंगे द मछिया था दई के रंग पहले द आंसू आएगी हन दा उन्होंने पहले गर्मा गर्म सब कदर गर्मा गर्म भजिए सैम तो खाए लगा है। अरे सैम थोड़ा दिमाग लगा, अच्छे जहाँ जाए कर अच्छे से, पहले मोबाइल वोबाइल का चक्कर छोड़, समझ गए? शौक तो कभी भी जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन अपने लक्ष्य पे फोकस कर, जिस दिन लक्ष्य पहुँच जाएगा ना दुनिया तेरे कदम चूमेगी। ये देखा इसमें खाते हैं भैया, अरवक लेटे दिए हो पहले देखा मस्कर बटे बैठा रहा यहीं खाए नहीं, जहाँ जाए तहाँ गंदे करी हो। अभी डाले हो उबलो तो कहाँ द सब थोड़ा थोड़ा दिए हो तो आंसू दे दिए हो तो तीन जने खाते हैं वो मुँह देखा थे। हाँ बराबर देने सब लड़कियाँ बराबर खाएं, नहीं दो जने खाते हैं पगुरावत हैं और एक जने देखा था इन, अब देखा बढ़िया बा पहले मिले ये बात मरे आसुक बरवा बेचारा हो गई है मामी की नहीं का होइयो मामी के बरवा हो गई है का बड़ा बड़ा हाँ तो सही तो बा ना बढ़िया तो बा बाल सही सीधा सीधा रहा सीधा जब पैसा देबू तब दुकान वाले कह दे। ये देखा भैया वंदन गर्मा गर्म भजिया बनाए के सबके खियाए दहन अपनों खा थन, और साथ में हमारी छोटी बहन भी खा रही हैं, और वंदन तो एकदम जैसे बुखान रहो का वंदन तो खाए बैठे है तो बुखान रहे तो बस खाए बैठे हैं। अच्छा खाए ले का करबो भाई, जो खाना बनावत है उसका लोग कम ध्यान देते हैं, खाए चाहे खाना बनाए पहले खा ले चाहे, एक बार बनाओ बनाओ नमक चेक करके खा ले चाहे, और दो हाँ एक आध दो पूड़ी कचौड़ी इच्छा रगड़ दे चाहे हाँ तो यही था हम लोग का पारिवारिक प्रेम, जो हम लोग आए अपने घर से चल के आए, जो हमारा रिश्ता होता है रिश्तों में आना जाना हमेशा लगा रहना चाहिए, इससे जो भी रिश्ते रहते हैं वो हमेशा नए बनते रहते हैं और लोगों के बीच में अपना अपन रहता है हमेशा। आप लोग भी जब भी समय पाएँ तो अपने रिश्तेदारों के घर पे अवश्य जाएं, मिले जुलें, एकदम बहुत अच्छा लगता है, प्रेम बनता है, बहुत बहुत खुशी की बात होती है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग जा रहे हैं, हमारा फैमिली हमारा जो परिवार है अपनी बहन के घर से हम लोग जा रहे हैं, और ये दोनों नीचे हैं सैम आर्या, मेरी बहन के बच्चे भी नीचे हैं, सब यहीं पे हैं। बोला सैम, बोला जल्दी सैम, आंसू कहाँ गए?
ये मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग अब जा रहे हैं। जो सुरेश वंदना ब्लॉग के फैमिली के लोग हैं, जो मेंबर लोग हैं, सब लोग जा रहे हैं। मतलब हमारा परिवार, हमारे बच्चे जा रहे हैं अपनी बहन के घर से। हम अपनी बहन के घर से जा रहे हैं। वंदन, कैसा लगा यहाँ आए के? मिल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मगर बहुत दिन के नीचा कासा धराए रहे। नीचा तोरे करे आओ, तोरे करे आओ। खुशी मिला ना यहाँ आके? हाँ, बहुत खुशी मिला। चला ठीक, खुशी रहनी चाहे, समझ गयो। ये हो भैया पारिवारिक प्रेम, समझ गया। जो जाए के बाद बहुत खुशी मिला था, एकदम चेहरा मुस्कान आई जैसे जबकि वो अपन मिला, समझ गया भैया। अरे आप लोग जाओ करा, घूम टहल ले करा, मिलजुल ले करा, और लड़के लोग चेहरा मुस्कान आ गया था, समझ गए। हम सिर्फ पहले से हमारे दोनों लड़के तैयार हो गया था, नहीं हम जाते उस पर जाएगी। हम क्या रुका रहा, बुढ़ाई में तो से मिला, समझ गए। हर रिश्तेदारी तो सक भेजा बुढ़ाई में, समझ गया भैया। अरे तो चलिए ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।